हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक, ट्राई करते हैं उसको ख़त्म करने का। आज बर्थडे बेटा की क्लास में 5 थी, हमने पढ़ा था कि इसको 5 फादर क्लास में डिवाइड किया गया है, फिशेस, लिजार्ड्स, बर्ड्स है ना, हेयर कॉर्पेट्स, बाल वाले है ना, उन सबों को पढ़ने था। फिशेस वाले को क्लास ऑफ फिशेस वाले को उसने फिशेस नहीं पिशेस, ठीक है। तो इस पिशेस को पढ़ते हैं जरा, जिसके अंदर शार्क आते हैं, ट्राउट आते हैं। ये ट्राउट को टूना है या तूना है पता नहीं, ठीक है। द क्लास पिशेस इंक्लूड्स फिशेस, ओके, यानी एक समय है पिशेस पिशेस से एक बड़ी कैटेगरी के अंदर फिशेस भी आती है। दे आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू एक्वाटिक लाइफ, ये कम्प्लीटली एक्वाटिक लाइफ के अनुकूल होते हैं, अनुभव अकॉर्डिंग उसी के अडेप्टेटिव होते हैं ना। दे हैव टू चैम्बर हार्ट, इनके दो चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स, अपने गिल्स सांस लेते हैं, इनके लंग्स नहीं होते, इनमें गिल्स होते हैं, एंड आर कोल्ड ब्लडेड, और ये एकदम इनका खून ठंडा होता है, हम इंसानों का वो गर्म होता है। और इसको कोल्ड ब्लडेड को एक और चीज़ बोलते हैं पाइक्लोथर्मल है ना, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स डायरेक्टली विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। देयर बॉडी इज कवर्ड विद द स्केल्स, इनकी बॉडी स्केल्स से कवर्ड रहती है। दे हैव फिन्स बट नो लिम्स, इनके फिन्स होते हैं बट लिम्स नहीं होते हैं। फिशेस आर ऑफ टू मेन टाइप्स, फिशेस दो तरह की होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस हुज स्केलेटन इज मेड ऑफ कार्टिलेज, कि समझ में ऐसा कार्टिलेज बढ़ा गया, इसका स्केलेटन कार्टिलेज से बना हो उसको कार्टिलेजिनस, एग्जाम्पल शार्क, डॉगफिश, स्केट्स है ना, और दूसरा बोनी फिश जिनकी स्केलेटन ना बोन्स से बना हो, कार्टिलेज से नहीं, बोन बोन्स से, कार्प्स, रॉचेस, हेरिंग्स, ट्राउट्स है ना, एक्सेट्रा। द गिल सिल्स इन बोनी फिशेज आर कनेक्टेड और कंसील्ड अंडर द गिल कवर, वाइल दोज इन कार्टिलेज फिशेज आर एक्सपोज विदाउट अ गिल कवर। वो कह रहे हैं ये जो बोन्स वगैरह वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वो गिल सिल्स में वो कैसे दिखाई देता है, बोनी फिशेज के अंदर तो वो गिल कवर के थ्रू दिखाई दे जाता है, और जो कार्टिलेज फिशेज होती हैं वहाँ पे बिना गिल कवर के दिखाई दे जाता है। जरा देख उधर कौन कौन से पिक्चर है, हाँ गैबियल्स घड़ियाल को बोलते हैं, हेलोडर्मा, हेलोडर्मा हेलो कर दो, ये कुछ छिपकली सी मेरे को लगी, पता नहीं कौन है, ये गिरगिट है शायद, ये पता नहीं क्या है, एक कोबरा और एक टर्टल, और रेप्टाइल फैमिली, चारों आते हैं फैमिली में, चारों आते हैं, टर्टल भी रेप्टाइल फैमिली में आता है, ओके, ये मुझे भी नहीं आता मेरे भी। दूसरा क्लास एम्फीबिया, इसमें फ्रॉग आ गए, टोड आ गए, सेलमेंटल आ गए, न्यूट आ गया। एम्फीबियंस स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर एडल्ट लाइफ ऑन लैंड, ये बेसिकली अपना एडल्ट टाइम लैंड पर स्पेंड करते हैं, वाइल देयर एग एंड लार्वल स्टेजेस आर एक्वेटिक, लेकिन जब उनका टाइम पीरियड आता है एक वगैरह रहते हैं तो पानी में रहते हैं, एग्स आर लेड इन वाटर, इनके एग्स पानी में देते हैं, ये लार्वा ब्रेदो बाई मीन्स ऑफ गिल्स, सर ये ब्रीद अपने गिल्स के थ्रू करते हैं, इनके भी गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते हैं, बट एडल्ट एम्फीबियंस ब्रीद बाय मीन्स ऑफ लंग्स, ओके, यानी बड़े होते होते इनके लंग्स डेवलप हो जाते हैं। एम्फीबियंस हैव अ स्मूथ नॉन स्केली मॉइस्ट और स्लिमी स्किन, द ईयर ड्रम जिनका ईयर ड्रम होता है लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, के स्किन पे होता है। दे हैव फाइव फिंगर लेंथ, इनके एंड थ्री होते हैं एंड थ्री चैम्बर हार्ट, इनके थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं, ऊपर वालों के टू चैम्बर है ना, ये ध्यान रखना है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। थ्री रेप्टाइल, क्लास थ्री रेप्टाइल, एग्जाम्पल इसका लिजार्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, फाउंड ऑल इन द रिवर्स ऑफ इंडिया, घड़ियाल, घड़ियाल की बात बता रहे हैं कि घड़ियाल तो इंडिया की रिवर्स में मिलता है और मलेशिया की रिवर्स में, म्यांमार की रिवर्स में, बस इन तीन जगहों पे। रेप्टाइल्स आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड, ये रेप्टाइल्स तो बेसिकली लैंड पर रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। देयर एग्स हैव अ लेदरी सेल, इनके पास एक लेदर का सेल होता है, एग्स के पास दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ लंग्स, इनके लंग्स होते हैं राइट फ्रॉम द बर्थ, बर्थ से ही। दे हैव रफ हॉर्नी स्केल्स ऑन द स्किन, ठीक है, एंड थ्री चैम्बर हार्ट इन विच द वेंट्रिकल इज पार्टिकली डिवाइडेड, द ईयर ड्रम लाइज एट द बॉटम ऑफ द ट्यूबुलर डिप्रेशन, दे आर कोल्ड ब्लडेड। क्लास ए एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो, क्रू, डक, आउल, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, एम्यू एक्सेट्रा, ऑल बर्ड्स बिलोंग टू दिस क्लास, ऑल बर्ड्स बिलोंग टू दिस क्लास, सारे बर्ड्स इस क्लास से बिलोंग करते हैं, दे ब्रीथ बाय
मीन्स ऑफ लंग्स, इनके लंग्स होते हैं, दे हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ फैदर्स, इनका एक अलग से स्केलेटन होता है पंख होगा। देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स, इनके जो फोर लिम्स होते हैं आगे के वो विंग्स में चेंज हो जाते हैं। दे हैव अ स्केलेटेक्स एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर हार्ट, देयर बॉडी इज स्टीमेंट एंड स्केलेटन इज लाइट टू फैसिलिटेट फ्लाइंग, क्योंकि सर इसका स्केलेटन बहुत लाइट होता है तभी अपने अपने लंग्स में हवा भर पाता है, हवा भी उड़ पाते हैं तब जाकर ही उड़ पाते हैं, ठीक है। तो इनको अब उनकी फ्लाइंग में फैसिलिटेड होता है। देयर वार्म ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, इसको बोलते हैं होमियोथर्मल, पहले जो थर्मल होता है यहाँ पे होमियोथर्मल। ऑलमोस्ट एंड कॉन्स्टेंट रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर रिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से पता नहीं हम तो अपना टेम्परेचर बना के रखेंगे। दिले एक्स विद कैलकेरियस सेल्स, के भी सेल्स के साथ ही एक्स देते हैं। कुकू, कुकू ना कोयल, कोयल कोयल कोयल, इट इज अ ब्लैक कलर्ड मेल, इन मेल होती है यह, डेट सिंग्स, जो गाती है कु 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 कु, मैं तो गंदा गा रहा हूँ। द ब्राउन इज वाइट पेस्ट, और जो ब्राउन इस कलर की जो वाइट पेस्ट जो फीमेल होती है ना वो एक डल बर्गन कॉल निकालती है, क क क क, इट लेज एग्स इन क्रोज नेस्ट, ये क्रो के नेस्ट में अपना एग देते हैं। द क्रो इनक्यूबेट होता है उनका, और जो क्रो होता है उनका ध्यान रखता है। दिस स्टेज वेयर अ बर्ड रिलाइज ऑन अदर बर्ड्स टू रेज इट्स यंग वन इज नोन एज अ ब्रूड पैरासिटिज्म, ओहो अच्छी, अपने बच्चे बड़े कर रहे हैं, इसको इस सिस्टम को बोलते हैं, इस भरोसे को बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट लिविंग बर्ड, ठीक है, ऑल्दो फ्लाइटलेस, जिससे उड़ नहीं सकता, इट्स पावरफुल लेग्स फॉर रनिंग, इसको भागने का बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेग्स हैं, मेकिंग इट फास्टर बर्ड ऑन द लैंड, इसको हाँ ठीक है। ऑस्ट्रिच नॉट ओनली लेज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बर्ड एग्स, ऐसा नहीं केवल कि दुनिया में सबसे अच्छे सबसे बड़े एग देता हूँ, इट्स आईज आर द लार्जेस्ट ऑफ एनी लैंड एनिमल, पूरे लैंड पर जितने एनिमल्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बढ़िया किसी है। द आईज ऑक्यूपाई सो मच स्पेस इन द स्कल दैट द ब्रेन ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज मच स्मार्ट देन द आईज आर वन ऑफ इट्स आईबॉल्स, वो कह रहे हैं इनका इस आईज का साइज इतना बड़ा होता है कि इनकी इनका ब्रेन आईज के आगे छोटा होता है, इनके ब्रेन का साइज। क्लास मेमेलिया एग्जाम्पल्स कैट डॉग काउ सीप रैट बैट सील मंकी एप्स मैन, हम इसके अंदर आते हैं मेमेलिया के अंदर। मेमल्स आर मोस्ट हाईली डेवलप्ड एनिमल्स फॉर लाइफ ऑन लैंड, ऑल्दो सम ऑफ देम सच एज व्हेल्स एंड पॉर्पोइज़ेस लिव इन वाटर एंड बैट्स फ्लाई इन एयर, सर व्हेल्स में आती हैं, मछली वालों में नहीं आती, नहीं आती तो नहीं आती। दे गिव बर्थ टू लिविंग यंग वंस, दे गिव बर्थ टू लिविंग यंग वंस विद टू एक्सेप्शन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्पाइनी एंटीटर, वो कहने ये सब अपने बच्चों को बर्थ जन्म देते हैं, बस दो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में और स्पाइनी ईट एंटर होते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्पाइनी ईट एंटर है कोई एंट ईटर है, और एक कोई डक बिल्ड प्लेटिपस नाम का कुछ है जो कि एग देता है ना, तो ये सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते तो केवल एग देते हैं। मैमल्स नरिश देयर यंग वंस बाय मींस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, है ना, अपने बीस्ट के थ्रू फीडिंग कराते हैं बेसिकली। दे आर हेयर ऑन देयर स्किन, इसकी स्किन पर हेयर्स होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, है ना, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, हम अपनी बात कर लो। दे हैव अ मस्कुलर डायफ्रैगम सेपरेटिंग द थोरक्स एंड एब्डोमेन इंटरनली। दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट एंड ब्रीद बाय मींस ऑफ लंग्स एज अ रूल। दे हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, इनके अलग बाहर से कान होते हैं। एंड एक्सटर्नल टेस्ट टेस्ट इज कंटेन द स्क्रोटम टेस्टिकल, जो हमारे टेस्टिकल वाला पार्ट होता है उसमें अलग समय पर टेस्ट भी होता है। आईज देखो इसके स्पाइन देखो इसके, एक क्लासिफिकेशन उन्होंने किया हुआ चार्ट बनाया हुआ है, एक पढ़ लेना इसको अच्छे से, ये अर्थ होमवर्क में कर सकते हो। ये भी आप रीड कर ही लोगे, चैप्टर भी खत्म, क्वेश्चन सारे एक और आप देख लेना, ठीक है।